हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद गरका में। आज हम बची हुई इडली से बनाएंगे तड़का इडली, यानी कि बची हुई जो कल की इडली होगी उसे हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने पर हम डालेंगे पिंच ऑफ हींग, यानी कि थोड़ी सी हींग। एक चौथाई हम राई डालेंगे, 7 से 8 कड़ी के पत्ते, 1 चम्मच तिल, और इन सभी चीजों को हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बची हुई इडली को हमने यहाँ पे काट के छोटे छोटे पीस में रखा है, उसे इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसे 30 सेकेंड के लिए हम धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे कि हमारी जो इडली है ना वो कल की है तो वो हल्की सी नरम हो जाएगी। तो यहाँ 30 सेकेंड हो गए हैं, हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इडली है तड़के वाली वो बनकर तैयार हो गई है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए।